भैया थोड़ा नीचे रखना हाथ अपना है, थोड़ा सा मोबाइल वाले के हम लोग के मोबाइल के नंबर आपको पास कर देंगे। आप इसे नीचे करोगे चलो थोड़ा सा पीछे। तो फाइनली दोस्तों बेल बॉटम की स्टार टीम पहुंच चुकी है। हेलो जैकी, हाय तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं बेल बॉटम के प्रोड्यूसर पहुंच चुके हैं। क्या बात है दीपसिता जी, जैकी दीपसिता जी, दीपसिता दीपसिता जी, दीपसिता जी, जैकी सर, जैकी सर थोड़ा नीचे बैठ के यार, जैकी सर यहाँ, जैकी भाई, जैकी भाई, तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं भाई शांत रखो। ये देखो दोस्तों तो गाइस आप देख सकते हैं अक्षय पाजी उसी ड्रेसअप में है जो एयरपोर्ट पे पहना था उन्होंने, फाइनली पहुंच गए हैं। ये गाइस अक्षय कुमार सैनिटाइज करते हुए हाथों को, थोड़ा थोड़ा ठीक है भाई, ठीक है भाई, आ जाओ वाणी जी, वाणी जी आ जाए, वाणी जी मास्क लगा देना प्लीज, पराग भाई पीछे से कहीं पर पीछे से मास्क 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 ये देखिए ये थिएटर की रिटर्न्स की सेरेमनी। अरे कुछ नहीं लिखेंगे आप करो तो सही, हम सारा अच्छा अच्छा लिखेंगे। अच्छा सर मास्क, अच्छा सर मास्क थोड़ा कर लो, सर थोड़ा सा कर लो, अक्षय सर ऊपर ऊपर ऊपर, सर वैक्सीन, अक्षय सर सर थोड़ा सा मास्क कर लो ना हल्का सा, चलिए 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 तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यार यहाँ पर, और मैंने कितनी बार कहा अक्षय पाजी से भाई थोड़ा मास्क नीचे कर लो, लेकिन नहीं सुनी, ऊपर कह रहे हैं ऊपर करेंगे, चलो ऊपर जाते हैं फटाफट से, लो भाई फटाफट से चलो 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 चलो, बुलावा आया है माता ने बुलाया है,
अरे चलो 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 हटना भाई जी उधर तो बैठ जाओ हमेशा लेट हमेशा लेट आते हो आगे की सीट चाहते हो तुझे आगे आगे रहना चाहिए था ना थोड़ा वहां से क्या बनेगा वीडियो एक्सक्यूज मी सर सीट छोड़ दीजिए प्लीज यू आर ऑक्युपाइड सर आगे सीट पर बैठ जा प्लीज एक चीज तो गारंटीड है फैक्ट दो चीजें एक घूस बम्प्स जो आपको एक नहीं दो बार मिले होंगे और सेकंड जो अब होने वाला है दैट इज YouTube पर एक नया रिकॉर्ड ऑफ Highest views in 24 hours, जैसे कि ये ट्रेलर अप होता है जिससे मुझे याद आया कि आपने भी मेरी तरह definitely फोन से इसे शूट किया होगा बट आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू फॉर द लव ऑफ सिनेमा कि प्लीज अभी आप इसे आगे सर्कुलेट मत कीजिएगा कुछ ही मोमेंट्स में इसे YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा तब आप आराम से शेयर कीजिए हाई क्वालिटी में 4K वीडियो में शेयर कीजिए और ऑफ कोर्स अब जिस मोमेंट के लिए हम यहां पर इतना बेसब्री से इतनी देर से जिसका इंतजार कर रहे थे वो शख्स जो जब भी आता है स्टाइल में आता है आपने उनका ट्रेलर तो देख ही लिया पिक्चर 19 को आई जानी है पर अभी उन्हें स्टेज पे बुलाने का वक्त है लेट्स वेलकम बेल बॉटम अक्षय कुमार अक्षय भाई एक चीज जो गारंटीड है वो ये कि जिसे हम एज ऑफ द थ्रिलर कहते हैं ना वो 19 तारीख को हमें देखने को मिलने वाली है बट एक सवाल जो जो सब हर कोई यहां पे पूछने वाला होगा और मैं उनके बिहाफ पे पहले पूछ देता हूं दो साल से जितनी भी मूवीज हैं वो सब वो बहुत डर रहे थे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं डायरेक्टर्स हैं सिनेमा में रिलीज करने के लिए उसे तो ये बहुत बोल्ड डिसीजन था कि एक बड़े पर्दे पर सिनेमा को रिलीज करना फिल्म को रिलीज करना तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया ये वाला माइक यूज ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग बड़ा अच्छा लगा इतने बड़े थिएटर में आके एक ट्रेलर देखा भले ट्रेलर देखा बहुत बहुत खुशी है कि 19 तारीख को फिल्म रिलीज होगी और सब बड़े बड़े थिएटरों में लगेगी एक बहुत मतलब आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही है लेकिन दो साल हो गए कुछ इतने बड़े थिएटर में कुछ भी देखा नहीं बस वही टीवी के ऊपर देखते रहे हैं तो जहाँ तक कि इनका सवाल है तो मैं ये कहूँगा कि रेस्टोरेंट में खाने का मज़ा बहुत अलग मज़ा आता है अब होम डिलीवरी कब तक करते रहेंगे बस अब वक्त है कि आए लोग पिक्चर देखें लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ सब कुछ ध्यान रखते हुए जैसे कि कहा गया है सरकार ने जैसे बोला है उसका ध्यान रखते हुए प्रोटोकॉल के हिसाब से हम फिल्में देखें ताकि ये चलता रहे बस यही उम्मीद रखते हैं कि फिर कभी बंद ना हो बस क्या बात है एक बार जोरदार तालियां अक्षय भाई के लिए सर मैं रेडियो में काम करता हूँ और रोज शो करता हूँ पर एक चीज जिससे मैं बहुत परेशान हो गया था पिछले दो सालों से रिपीटेटिव एक ही गाने बार बार प्ले करने पड़ रहे थे आपने एक बहुत बड़ा एहसान किया है
फिल्म में आप वापस बड़े पर्दे पे लेके आ गए हैं। सो ये पहली फिल्म है, आई एम श्योर इसके बाद जैसे ही अब आपने थिएटर्स को ओपन करवाया है, अब बहुत सारी और फिल्में रिलीज होंगी और रेडियो पे बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे। मेरे हीरोइन वाणी कपूर जी को कहूंगा कि ऊपर आए, और साथ में मेरी हीरोइन लारा दत्ता जी को कहूंगा कि ऊपर आए। फिर मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भाई बहन जैकी मगनानी हनी, ऊपर आए, एक बार जोरदार ताली हो जाए और आके मीडिया को फेस करें। The whole cast and crew of Bell Bottom, and इससे पहले 19 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो बड़े पर्दे पर, I know आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे, so we give it over to you, जो भी सवाल है just raise your hands, Mike. Hello everyone. First of all, welcome to Delhi. I am Suganda from HT City. So my first question is from Jackie. How do you think it's a big decision? You know, Maharashtra mein theaters nahi khule hain. So are you kind of worried? Because it's kind of big risk. Maharashtra is such a big market. No, actually, I was not worried. Of course, Maharashtra contributes for almost 30%. But I think for Bell Bottom, I think we are just happy with Akshay sir's leadership. We are happy to be the flag bearers. And this is for the fraternity. We are very, very happy that this is coming in theatres. And that's the most important thing. And yes, business is important. But for this film especially, I feel... the biggest box office is that we are coming in theaters. Aur koi bharosa nahi, keeping our finger crossed. Abhi bhi 18 din baki hai ya 17 din baki hai. Kuch bhi ho sakta hai. Aur Akshay sir, aapse puchna chahungi, India kal match karegi women's hockey team against Argentina, and it's considered as real chakde moment. What do you have to say on that? Mere liye gold moment hai. Super. Yes, questions. What are you doing? That's a million-dollar question, no, Lara? So, आप में से कोई अगर अगर कोई guess कर ले तो I'm allowing them to bring all their family members for free to the theatre. okay, so you did see me in the trailer. I'm playing Mrs. Indira Gandhi. That's me. Oh. Yes, questions. Hi Akshay, Amit Bhatia from ABP News. First of all, trailer आपका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा. अच्छा ये पूरी फिल्म आपने इधर 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 ये पूरी फिल्म स्टार्ट टू फिनिश फॉरन जाके, तो आपको लगता है कि खिलाड़ी तो आप पहले से थे, खतरों के असली खिलाड़ी इस फिल्म से साबित हुए, या फिर कितना डर आपको लगा कोरोना काल में पूरी फिल्म शूट करना? एक्चुअली इसका श्रेय मैं जैकी को और उनके पिताजी वाशु बगनानी जी को देना चाहूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठाया कि यहाँ से 225 लोगों को ले गए और वहां जाके इन्होंने शूट किया, जबकि पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे परमिशन के साथ इतना बड़ा रिस्क उठाया. आई वुड गिव अ बिग हैंड एंड बाउ टू हिम एंड हिज डैड, बिकॉज दे डिड समथिंग विच वॉज अनबिलीवेबल एंड दे वर द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू शूट अ मूवी. I would like to add, sir is being humble. If he didn't agree to it, we would not be able to do it. So it's a team effort. Yeah, Rajiv. Next question. Hi guys, I'm Dilbata Krivati from IANS.
Akshay sir, you've had a movie released on a digital platform, and then is that like a balance? Is that a conscious choice of making a balance, or is something else? आपका मतलब क्या था? मुझे वापस पूछना क्या पूछा? क्या बैलेंस करने की उसपे ना कि बिगनिंग से पूछो ना बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस? रिलीजिंग अ फिल्म ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड देन हैविंग अ मूवी रिलीज्ड इन. अच्छा, तो आप लक्ष्मी 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 के बारे में बात कर रही हैं. हाँ, उस वक्त तो खुला ही नहीं था, तो फिल्म को लेकर बैठा हुआ था, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, कुछ तो करना चाहिए था, तो फिर उस हिसाब से कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Congratulations for Bell Bottoms. Sir, Akshay sir, my question is for you. Sir, theaters reopened in Delhi after a long time. You belong from Delhi. So, आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी हो थिएटर्स की, दिल्ली थिएटर्स की, या कभी आपने बचपन में बिना टिकट के मूवी देखी हो, कुछ ऐसी कोई चाइल्डहुड मेमोरी इफ यू कैन रिकॉल? नहीं, मैंने बिना टिकट की कोई पिक्चर नहीं देखी. मैंने हमेशा टिकट लेके ली है, मतलब पिक्चर देखी है. और मेरा जन्म इधर ही दरियागंज में चांदनी चौक के करीब ही हुआ था, और वहाँ बहुत सारे सिनेमास थे, जुबली, गोलचा, डिलाइट, बहुत सारी फिल्में देखी है वहाँ. मुझे अभी भी याद है कि ब्लैक में टिकट लेके मैंने फिल्म देखी थी, अमर अकबर एंथनी. बहुत बारिश पड़ रही थी तभी, और कैसे भी करके देखनी थी वो फिल्म. वो बहुत ज़रूरी था, अमर अकबर एंथनी देखना, एंड जाके वो फिल्म देखी थी. वो मैंने टिकट नहीं मिली थी, तो हम अम्बा में जाके देखी थी, अम्बा सिनेमा. तो बस वो याद है अच्छी तरह. वो है ना, कोई कोई चीज़ें, कोई कोई फिल्में याद रह जाती हैं कि कैसे मुश्किलात से जाके फिल्म देखा. तो वो एक फिल्म थी जो हमेशा याद रहेगी. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, पूछिए. आई हैव टू क्वेश्चंस. पहला ये कि मैंने जो ट्रेलर देखा, इसमें मुझे बहुत सारे मीम मटेरियल्स दिख रहे हैं. तो आई वांट टू नो कि आप जब अपने मीम्स खुद फेसबुक या इंस्टाग्राम जहाँ पे भी देखते हो, तो हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दैट? अच्छा लगता है, मजा आता है. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट फॉर यू कि आफ्टर मतलब अभी रिसेंटली हमने चंकी पांडे को इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात बोली थी कि ओटीटी स्पेस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो थिएटर्स की जगह नहीं ले सकता. सो आई वांट टू नो पर्सनली कि आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में कभी ओटीटी जगह ले सकता है थिएटर्स की? जी देखिए, जगह लेने वाली बात यह है कि वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसका मजा अलग है, और इसका मजा पूरे परिवार के साथ बड़े स्क्रीन के ऊपर देखना, इसका मजा अलग है. यू कैन नॉट मैच इट. Thank you. Next question. Mic है आपके पास? Mic तो रवि को दो. या 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 आगे भी तो दे दो. इसी को लो मैम. Yeah, hi Akshay. This is Ravi from PTI. So my question to you is, you know, all eyes are there on Bell Bottom, and do you feel the pressure that people are expecting this film to revive the industry? Pressure तो सभी के ऊपर है. But I'm very sure things are going to work out, and एक challenge है और एक ये कहूँगा कि एक risk है. लेकिन जिंदगी में risk अगर लिया नहीं तो क्या किया? तो we have gone with it, and मेरे साथ risk लेने के लिए मेरे producer साथ में रहे हैं, and that is a big thing. उन्होंने जब मेरा हाथ थामा, मैंने उनका हाथ थामा, so it was good. Now we started proceeding and it's okay. Yeah, I had one more question. Yes, please go ahead. Yeah, you, not only Bell Bottom, you have also shot for Ram Sethu, Raksha Bandhan. So, how did you convince yourself? It was it to portray that character? Firstly, though, all it took was a call saying, this film is being made and we're casting for Indira Gandhi's role. And that's all it really took before I even heard the script. But yes, of course, there's a great responsibility when you're portraying somebody who's an iconic figure like her. And I hope all of you will go into the theater and watch the film. But it was very important to get her body language right. As you all know, the film deals with the hijack situation that happened during Miss Indira Gandhi's tenure. So given the dramatic events that were unfolding, she was always somebody who was extremely centered and never really prone to dramatics. So it was very important to portray her in that form. And I had a great time. There was a lot of homework, there was a lot of research that went on behind it.
But it was obviously an opportunity of a lifetime that I'm very thankful for. There's one more question for the entire team. What all difficulties did you face during the shooting of the film in pandemic? Nothing. हमारी सारी डिफिकल्टीज वाशु बगनानी और जैकी बगनानी दी गई थी, तो हमारे ऊपर कोई डिफिकल्टी नहीं आई. बस हमें थोड़ा वक्त क्या कहते हैं क्वारंटीन में रहना पड़ा. उसके बाद हमने शूटिंग की और फिर शूटिंग करके 90% फिल्म वहाँ शूट करके यहाँ आ गए. आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं भारती सिंह आवाज भारती से जी. मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, जो बेल बॉटम फिल्म है, ये समाज को क्या संदेश दे रहा है? संदेश ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, तो उस वक्त क्या हुआ था वही संदेश दे रहा है. वही आपको बता रहा है कि क्या क्या हुआ था. और आप देखिए उस वक्त कैसे जो हमारे स्पेशल एजेंट्स थे उन्होंने कैसे काम किया था उसके बारे में. और अक्षय जी और वाणी जी की जोड़ी पहली बार सिनेमा में सामने आ रही है, तो कैसा लगा आपको साथ काम करके? नो, आई वाज वेरी हैप्पी. माय फादर इज एक्चुअली अ ह्यूज फैन ऑफ अक्षय सर एंड सो एम आई. एक्चुअली एवरीबॉडी इन आवर फैमिली नोस, हैज प्रैक्टिकली वी वॉच्ड ऑल योर मूवीज. But it was a blast. I think he's one of the funniest human beings in a good way. But he's funny. He's a great sense of humor. He's a great actor. He's approachable. He takes care of his team, of everybody on set. You feel like a very family environment, you know. And I had a. It was a very new experience for me because we used to sit together, have lunch together, dinner together, offset, onset, all the time. Like he was just like out there for you, you know, with his full support. So it was incredible. Great experience. Did you have a good experience? Yeah, I had a great experience working with Vani Kapoor. Vani ji is a beautiful girl. She, bura aise likh sakta hun. But I really enjoyed working with her. She's very talented. She's a wonderful actress. जो मतलब मैं कहूँगा जो मैंने अपनी 40वीं फिल्म के अंदर सीखा था, मतलब एक्टिंग कैसे करता था मैं, वो इसने पहली या तीसरी फिल्म में ही कर लिया. Hi, this is Uday here from NewsX. Firstly, congratulations to the entire team. I think the trailer looks amazing. And I think the cheers, you know, just showed the response, of course, of people over here. The team has given the credit to both of you. So I have to ask Jackie and Hani, how was it like, you know, taking that decision actually to go and shoot this film, you know, after that first wave? And you know, what kind of protocols did you put in place? How was that shoot and the experience? Tell us a bit about it. It was a tough decision when we decided to take this, and you know, health being paramount for all of us, when we sat down and made our plans, it was very important to make sure that everyone's health safety was kept in mind. We made different sections, we decided how we'll go about with the shoot, and yes, and then we convinced everyone to go, and we're very lucky and very grateful that we pulled it off without a single person getting the virus. So that's how it was. We're looking forward to watching the film. Akshay, a quick question to you as well on the Olympics, which are on. You're of course a you know sports lover. We keep seeing your tweets, but are you enjoying watching India's performance this time? I'm very proud, and I'm waiting for tomorrow's match to start with. So we're all waiting for it now. That's it. Last question. डेट के बारे में उसके बारे में दो इंसान जानते हैं, एक भगवान जानता है, एक रोहित शेट्टी जी जानते हैं. मुझे तो नहीं पता कब आ रही है, वो ही बताएंगे भी कब आ रही है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द आई जानी चाहिए अब, क्योंकि सारे सिनेमास खोल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, तो जैसे ये खत्म हो जाएगा मुझे लगता है आ जाएगी चाहिए अगले महीने या अगले टू अगले महीने, जैसे भी होगा मुझे भी पता लग जाएगा, आपको बता दूंगा मैं. और कुछ
थैंक यू मैडम. कब से बोल रही हैं प्लीज पूछिए आप. Hi Akshay sir, I'm Saloni from TV9. So I wanted to ask, आपको क्या लग रहा है अब जिस तरीके से ये evolve हो रहा है, अभी भी यार getting the news की third wave भी आ सकती है, तो do you think जो भी OTT ने फिलहाल ये पिछले दो सालों में gain किया है, and people are actually because they don't have choice अभी to be honest देखने का, but do you think डेढ़ दो साल बाद अचानक जो theater का वो रुतबा था वो वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. बिल्कुल आ सकता नहीं, आएगा आएगा. एंड आपने जब अभी पूरा ये बेल बॉटम की शूटिंग करी एंड पहले जो आपका ये ओटीटी वाला थिएटर रिलीज था उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा जो आपने अभी शूट किया और उसमें, अगर आपको कोई एक मेजर पॉइंट जो आपको एक चेंज का दिखा एक्सेप्ट दैट क्वारंटीन पार्ट, आपको एक जो मेजर चेंज लगा वो क्या था? हमें पता ही नहीं चलता कि मास्क के पीछे कौन है. हमें पता ही नहीं चलता है, जब वो मास्क उतारते हैं जब शूटिंग के लिए आते हैं तब पता चलता है, बस यही चेंज है. थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन वी कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ इट वेयर नाउ आई वुड लव टू इनवाइट दोज पीपल हु आर एक्चुअली बिहाइंड दिस ओपनिंग ऑफ ऑल दीज सिनेमास. पर मैं चाहूंगा उससे पहले कि अक्षय सर प्लीज आप स्टेज पे रहे एंड all the cast and crew आप अपनी जगह ग्रह कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए. आप यू विल गेट अ फोटो ऑफ, डोंट वरी. सो आज वो चीज होने वाली है जिसका हम अराउंड लास्ट 2 years से बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सो फाइनली अब हम बुलाने वाले हैं सबसे पहले मिस्टर अजय बिजली CMD PVR. तालियों के साथ स्वागत करते हैं सर का. कमल ज्ञानचंदानी प्रेसिडेंट MAI, ललित ओसा RD आईनॉक्स, सौरभ फ्रॉम सिनेपोलिस, शशांक रायजादा ओनर टेनाइट सिनेमा एंड हेड of NAMPE, and last but not least Sanjay ji from Pen Marudhar. आज पहली बार ऐसा हो रहा है to all my media friends, मैं आपको बता दूं कि सभी cinema chains के owners एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं. गौतम दत्ता भी स्टेज पे आए. I request Mr. Gautam Dutta to please join us. So, पहली बार ऐसा होने वाला है कि एक स्टेज पर इंडिया के जो बिगेस्ट सिनेमा हॉल्स हैं उनके ओनर्स उनके चेयरमैन MDs आज आपको एक साथ मिलेंगे बिकॉज ये वो फिल्म है बेल बॉटम विच इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री. आज एक खुशियों की चाबी अक्षय सर सभी को सभी सिनेमा ओनर्स को प्रेजेंट करने वाले हैं बिकॉज इस फिल्म से ना ही सारे सिनेमा हॉल्स खुलने वाले हैं बल्कि हम सबकी एंटरटेनमेंट की चाबी खुलने वाली है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. सो ये है आप सबकी खुशियों की चाबी. सो दिस मूवी इज एक्चुअली अ मूव. इसके साथ इस फिल्म के साथ ना ही सारे सिनेमा हॉल्स आपके लिए खुल जाएंगे बल्कि बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाएंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग दोस्त वो आउट ऑफ जॉब्स वो वापस आ जाएंगे. सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज मूव. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू वेरी मच टू ऑल द एस्टीम गेस्ट एंड अजय सर. गुड इवनिंग एवरीवन. व्हाट कैन आई से, इट्स बीन अ वेरी इमोशनल लास्ट 18 मंथ्स. एवरीथिंग अक्षय हैज ऑलरेडी सेड बट सिनेमाज वर शट. एक्चुअली आई स्टार्टेड माय जर्नी इन द सिनेमा 1990, सो दिस हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी एज वेल. बट सिनेमाज आर डजंट मैटर हाउ मेनी डॉल्बी डिजिटल्स और सीट्स वी पुट, इट्स एन इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस इफ मूवीज आर नॉट देयर.
So I'm just extremely grateful to Akshay and the entire team to, you know, take this very bold step, despite cinemas not being opened everywhere, to, you know, break this dry spell, and wish them all the luck from the bottom of my heart. I've known Akshay for some time, and he's amazing. He's relentlessly coming out with so many movies, quantity as well as quality, which is absolutely amazing, and that's what we need. So just very, very grateful for this, and guys, all of you must come out. You must, you know, use all the protocols, follow the protocols, be safe, but at the same time, I think human beings, we are not designed to stay at home. We're designed to come out, and we've stayed at home for too long, so it should be good to have you all back in the cinemas and fill up the seats. Thanks, Akshay. Thank you, Akshay sir. And Akshay sir, I would request you to please be on stage. And now is the time you all can ye wo ye moment hai. Akshay sir, main hum sab bahut der se intezar kar rahe the jiska wo photo opportunity jahan par Akshay sir actually cinema mein aapko dikhai denge 19 tarikh ko to waise hi 19th ko wo style statement hoga 80s ka wo daur wapas aayega but abhi all yours. We would also request Vani and Lara to please join Akshay sir.